नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। विदिशा, करीब दो दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सुंदर फूड्स दूध डेयरी पर चोरी की वारदात हुई थी, जिसमें वहां मौजूद वेटरनरी डॉक्टर की कुछ अंगूठियां और अन्य सामग्री चोरी हुई थी। पुलिस इस मामले को हाई प्रोफाइल मानते हुए जाँच पड़ताल में जुटी है। एक दिन पहले भोपाल संभाग के DIG संजीव तिवारी विदिशा आए थे। आज ADG पुलिस उपेंद्र जैन विदिशा आए और उन्होंने घटनास्थल पर कर मौका मुआयना किया। उनके साथ DIG और SP विनायक वर्मा भी मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए ADG उपेंद्र जैन ने कहा कि जल्द ही चोरों तक पहुंच जाएंगे। सर, जो CM सर के वेयरहाउस और ये कहीं के जो डेयरी पर चोरी हुई, उसमें अब तक कोई सुराग मिल पाएगा? उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, बहुत जल्दी हम पहुँच जाएंगे। और कुछ खास सर जिले के लिहाज से जो अपराध यहाँ पे हो रहे हैं? सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि पिछले 2 माह में ये प्रयास हुआ है कि अपराधों पर नियंत्रण पाने का प्रयास किया जाए। सो इसमें काफ़ी उसमें कार्रवाइयाँ हुई है। जो संपत्ति संबंधी अपराधी हैं, जो चोरी लूट डकैती करते हैं, ऐसे लोगों की हिस्ट्री शीटें खोली गई हैं। जो गुंडागर्दी करते हैं, ऐसे लोगों की गुंडा फाइलें खोली गई हैं। फिर वाहनों की चेकिंग वगैरह की जा रही है और उसके अलावा बहुत सारी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके चोरों को पकड़ा जा रहा है। तो पिछले करीब 2 माह में, अभी मैं सारे आंकड़े मेरे पास में हैं, पिछले 2 माह में संपत्ति सारे हर किस्म के अपराधों का ग्राफ नीचे आया है। पिछले वर्ष के मुकाबले में बहुत सारे अपराधी पकड़े गए हैं और ओवरऑल अपराधों पर काफ़ी नियंत्रण है। यहाँ भी कुछ चोरियाँ वगैरह हुई थी, लेकिन उनमें से अधिकांश पकड़ी जा चुकी हैं। विदिशा शहर में और सिरोज में जो चोरियाँ हुई थी, उनमें से अधिकांश में पतासाजी हो चुकी है, अपराधी पकड़े जा चुके हैं। श्रीमान जी, जो CM हाउस की चोरी हुई है, उसकी राशि बताएं थोड़ा सा, कितनी राशि की चोरी हुई है? क्या चोरी हुआ है? कुछ वो एक वहाँ के कर्मचारी हैं, डॉक्टर हैं, वहाँ पे वेटरनरी डॉक्टर हैं, उनके यहाँ से कुछ अंगूठियाँ, छोटी अंगूठियाँ हैं और ऐसे कुछ सामान। करीबन कितनी राशि की पूरी? बहुत छोटी राशि, बहुत ज़्यादा राशि। CCTV फुटेज कहाँ ले जाए? CCTV फुटेज देखे जा रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे CCTV फुटेज लगे हैं, हमें उम्मीद है कि कुछ होगी। कब तक अभी आरोपी को पकड़ लिया जाएगा? चूँकि समय सीमा बताना बड़ा डिफिकल्ट होता है, पुलिस का हमेशा यही प्रयास होता है कि जल्दी से जल्दी डिटेक्शन किया जाए। धन्यवाद, ठीक है सर। श्रीमान जी, खबर समय जगत के लिए विदिशा से पहलवान रघुवंशी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।